प्रभात, मैं वाराणसी से अक्षत मौर्य और मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम चाणक्य की चतुराई है। एक बार की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज मैं तो लूट गया पर बांध हो गया, मेरा मित्र मेरा सारा जमादन हड़प गया। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है। किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम रामदास है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था, जाते समय मैं अपना सारा जमाधन अपने मित्र के पास रख कर गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूँगा, परंतु अब वह मित्र मुझे जानता तक नहीं। कहता है, कौन सा धन कैसा धन, मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज मैं क्या करूँ, मेरे साथ न्याय कीजिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, तुम्हारा कितना धन था। किसान बोला, महाराज 5000 सिक्के। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के लेन देन के लिए कोई लिखा पढ़ी की थी, क्या तुम्हारा कोई गवाह है। किसान ने सिर झुका कर कहा, महाराज मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था, इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मंदिर के बाहर स्थान पर सुबह में कोई आता जाता भी नहीं, अतः मुझे धन देते हुए और मेरे मित्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी कि किसान के मित्र को बुलाया जाए। उसका मित्र दरबार में आया। महाराज ने उससे पूछा, क्या यह किसान ठीक कर रहा है कि तुमने इसके पैसे लिए हैं। किसान का मित्र बोला, महाराज यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। भला किसी अनजान व्यक्ति का धन मैं क्यों अपने पास सकता, वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। यह जिस मंदिर की बात कर रहा है उस मंदिर को भी मैं नहीं जानता, फिर वहां जाने की बात तो बहुत दूर की है। सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने महामंत्री चाणक्य की ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों से अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। फिर महामंत्री ने चंद्रगुप्त से कहा, आप इस मुकदमे का निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं स्वयं न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। फिर महामंत्री ने उससे पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था। वह बोला, महोदय मंदिर के बाहर पीपल का एक पेड़ है, उसके चबूतरे पर यह बैठा था, वहीं मैंने इसे धन दिया था। वह बोले, धन देते हुए या तुम्हारे मित्र को धन लेते हुए किसी ने देखा हो या ना देखा हो, पेड़ ने तो अवश्य देखा होगा। बूढ़ा आदमी सकुचाते हुए बोला, जी महामंत्री। फिर वह बोले, जाओ पेड़ को लेकर आओ, वह गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, पर किसान लौट कर नहीं आया। उसका मित्र बैठे बैठे परेशान हो रहा था। फिर महाराज ने उससे पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया। भूख और प्यास से परेशान किसान का मित्र बोला, महाराज मंदिर तो कुछ ज्यादा दूर नहीं है, मैं अभी तक तो मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, पर वह बूढ़ा आदमी गया होता बना वह तो बहुत झूठा है, जरूर घर जाकर खा पी कर आराम कर रहा होगा। फिर महामंत्री ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, भाई अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं, तुम अब कैसे कह रहे हो कि मंदिर पास ही है। निश्चय ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ, तुमने अवश्य ही उसका धन हड़प लिया है। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। स्वयं किसान का मित्र अपने बात के जाल में फंस चुका था, उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने बूढ़े का धन देने का प्रण भी किया। थोड़ी ही देर में वह बूढ़ा किसान आया, वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। फिर महाराज से कहा, महोदय मैंने पेड़ से बहुत मेहनत की पर वह गवाही देने नहीं आएगा। फिर वह बोले, अरे नहीं पेड़ तो आया था, वह गवाही देकर चला भी गया, तुम्हारे मित्र ने मान लिया है कि उसने तुम्हारा धन लिया था, अब वह वापिस देने को भी तैयार है। इस प्रकार महामंत्री ने अपने बुद्धि के बल पर न्याय का दिखलाया। थैंक यू एंड जय हिंद।